तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो नारुतो शिपुडेन है वो तो अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ये हिंदी डब के साथ आएगा, वो भी सोनी चैनल पर। तो आप में से कुछ लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई नारुतो शिपुडेन के हिंदी डबिंग के वॉइस कास्ट के बारे में अपडेट दो, और विशेष मिलिंद की वॉइस मादारा उचिहा पर शूट करेगी कि नहीं आप बताओ। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो नारुतो शिपुडेन है और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं और जो ओल्ड कैरेक्टर्स हैं, तो किसमें यार किन की वॉइस शूट करेगी। और ये वीडियो बनाने के लिए यार आज मैं ऑफिस भी नहीं गया, इसलिए आपको आज मेरे चैनल पर ये दूसरा वीडियो देखने को मिल रहा है। और ये वीडियो बनाने में यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो ज़रूर यार इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और स्पेशली इस वीडियो को बनाने के लिए यार मैं आज ऑफिस भी नहीं गया। तो प्लीज़ यार मेरे हार्डवर्क के लिए इस वीडियो को यार लाइक कर देना। आज का हम लोग लाइक्स का एम टारगेट रखते हैं, चलो 2000 रखते हैं। भाई आप लोग 3000 तो करते नहीं, 2000 भाई कर देना। अपने भाई का यार थोड़ा बात का मान भी रख लो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो देखने के बाद कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नारुतो की हिंदी वॉइस की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नारुतो शिपुडेन में जो नारुतो है वो बड़ा हो जाता है, और आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि अब नारुतो यार बड़ा होने वाला है, तो शिपुडेन के लिए वेवा ठक्कर की वॉइस सही रहेगी। थैंक्स, मैं और फाड़ू लैंडिंग कर सकता था, लेकिन ये सूट नया है ना, थोड़ा जम नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, ये परफेक्ट है। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से वेवा ठक्कर सर की वॉइस सूट नहीं करेगी, मेरे हिसाब से पूजा पंजाबी मैम की ही वॉइस यार सही रहेगी। अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाया तो तुम नहीं बचोगे, तो चल पहले तू ट्राई कर ले, क्योंकि मेरा हाथ पड़ने के बाद तो तुम मिट जाएगा। क्योंकि जो नारुतो का इंग्लिश डब है, तो नारुतो में और नारुतो शिपुडेन में एक ही वॉइस एक्टर ने नारुतो को दोनों सीजन में यार डब किया है, तो मेरे हिसाब से शिपुडेन के लिए भी पूजा पंजाबी मैम की ही वॉइस परफेक्ट रहेगी। और अब बात करते हैं नारुतो शिपुडेन के न्यू कैरेक्टर्स की वॉइसेस के बारे में, जो कि उसमें हमें न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो उसमें किस कैरेक्टर में किसका वॉइस सूट करेगा, ये देखो मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये वॉइस परफेक्ट रहेगी। हो सकता है कि आपका कुछ और ओपिनियन हो कि नहीं भाई ये सही नहीं है, तो ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि हाँ किसकी वॉइस सही रहेगी, तो कोई भी ऑफेंड मत होना। तो जो मदारा का कैरेक्टर है, आप में से लगभग यार बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई विशेष मिलिंद की वॉइस यार इस कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी, तो इसलिए जाकर मैंने उनका यार वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद यार मुझे ये लगता है कि उनकी वॉइस यार इस कैरेक्टर पर सूट करती है। देखो वॉइस सूट करती है, वो अपनी वॉइस को यार मोटा करके बोलते हैं, बट देखो यार उनके डायलॉग में ना इमोशन की यार कमी है, फीलिंग्स की कमी है। वो जब यार डायलॉग बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ यार स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल वॉइस एक्टर का अगर आप एक्टिंग देखोगे, तो आपको यार उनके एक्टिंग में इमोशन यार झलकता है, एक फीलिंग आता है। लेकिन यार विशेष मिलिंद की वॉइस में मुझे वैसा कुछ यार दिखाई नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से उनकी वॉइस यार सूट नहीं करेगी। मदारा के लिए जो मैंने यार वॉइस एक्ट्रेस चुना है, उनकी वॉइस यार मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा सूट करेगी, जिनका नाम है मनोज पांडे। हाँ क्या बोला रे कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम लिया, लगता है जॉब के साथ जिंदगी से भी रिटायर होना है। तो गाइस देखा इनकी वॉइस एक्ट कितनी ज्यादा दमदार है, और वॉइस एक्टिंग में यार आप इमोशन देख रहे हो, फीलिंग देख रहे हो। अगर ये वॉइस यार मदारा पे आ गई ना, तो यार क्या तहलका मच जाएगा। जो पेन का कैरेक्टर है, उसको देखते ही यार मेरे दिमाग में एक वॉइस एक्टर का नाम आया कि हाँ इसकी वॉइस तो यार इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूट करेगी, और वो वॉइस एक्टर का नाम है भल्लव विनगाडे, और इन्होंने यार नारुतो में जाबुजा को भी डब किया है, तो इनकी वॉइस यार पेन पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम किसके सामने खड़े हो? मैं हूँ जाबुजा मोमोची, द डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट। इसके बाद बात करते हैं मिनाटो का हिंदी वॉइस का, जो कि यार नारुतो के पापा हैं। तो यार जैसा कि आप मिनाटो को देखते होंगे, तो देखते हैं यार मिनाटो कितना ज्यादा यार शरीफ और यार एक पॉजिटिव वाइब आता है, तो इसे देखते हैं यार मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आया अंकुर जावेरी सर का। इनकी वॉइस यार मिनाटो में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सूट करेगी। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ आप सबको बचाने, तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारी पुरानी टेक्नोलॉजी मेरे रास्ते की रुकावट बनेगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं,
कहा ना मैं उससे निपटूंगा, आप ऑर्डर दीजिए सर। अब बात करते हैं कुसीना का हिंदी वॉइस का। तो जो कुसीना है उसका भी यार एक मेजर रोल होने वाला है नारुतो शिपुडेन में, और इसके लिए जो मैंने वॉइस एक्टर को चुना है, इसे देखते ही जो मेरे दिमाग में वॉइस एक्टर का नाम आया, जो आवाज आया, वो है साइनी प्रकाश। इनकी वॉइस मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया सूट करेगी। माफ करना, पर जैसा तुम्हारी सेंसे ने कहा, अपने ओपोनेंट को धोखा देना, उन्हें अचानक चौंका देना एक शिनोबी की खासियत होती है, तो प्लीज इसे दिल पर मत लेना। अब बात करते हैं ओबिटो का हिंदी वॉइस का। तो यार इसे देखते ही मेरे दिमाग में जो पहला नाम आया वो है संकेत मात्रे का। वैसे तो जो ओबिटो है इसका दो पर्सनैलिटी है, जैसे पहला जो पर्सनैलिटी है वो है टॉबी का, जो कि यार थोड़ा फनी टाइप का है, जो कॉमेडी करता है, तो उस टोन के लिए संकेत मात्रे ऐसा टोन रख सकते हैं। नहीं, एक मिनट, मेरी एक छोटी सी इच्छा है सर, गले में पवित्र रुद्राक्ष है, माँ पाप लगेगा इसे पहन के मारा तो। ओबिटो है जो कि एकदम सीरियस रहता है, तो उसके लिए ये टोन बढ़िया रहेगा। कॉलेज में किसी के साथ कुछ बुरा होता तो तू सह नहीं पाता था, आज तेरा सब कुछ छिन गया और तू रोने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा। अब बात करते हैं डांजो का हिंदी वॉइस का। और डांजो तो यार एक विलन है, तो विलन के लिए मेरे हिसाब से परमिंदर गुमन की वॉइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया सूट करेगी। क्या करेगा वो, क्या उखाड़ लेगा? अगर उसके चाचा को कुछ हुआ तो हमें टपका देगा, भतीजे को छोड़ पहले इसका गेम बजा। नाइन टेल्ड फॉक्स का भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और मेजर रोल होने वाला है शिपुडेन में, और बार बार हमें वो देखने को भी मिलने वाला है, तो उसके लिए तो यार पवन कालरा की ही वॉइस बढ़िया रहेगी, वॉइस चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? या तुम यहाँ अपनी कुर्बानी देने आए हो ताकि मैं अपने इंतकाम की आग को बुझा सकूं? उसके बाद जो यार डीडारा का कैरेक्टर है उसके लिए लोहित शर्मा की वॉइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया सूट करेगी मेरे हिसाब से। मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ, अभी तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। और बाकी के जो कैरेक्टर्स हो गए जैसे ओरोचिमारू, इताची, सुनाडे और भी जो कैरेक्टर्स हैं, सासुके, साकुरा, वो सब की वॉइस वही अच्छी रहेगी जो कि नारुतो सीरीज में थी, वो सब की वॉइस चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज मैंने जो नारुतो शिपुडेन के लिए जो कैरेक्टर्स के लिए वॉइस एक्टर्स को चूज किया है वो आपको कैसा लगा? आप मेरी बातों से कितना ज़्यादा सहमत हैं और कितना ज़्यादा सहमत नहीं है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ने वाला हूँ और उनको रिप्लाई भी करने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और चैनल में न्यू आए हो और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और मेरी आवाज़ और सुनना चाहते हो और ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखना चाहते हो तो किसका इंतजार कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद मेक श्योर कि बेल आइकन दबा देना ताकि न्यू वीडियोज़ का अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलो गुड बाय, बाय बाय।